हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलपस कैम में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनएक्स कैम का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा मिल कंटूर के बारे में। इससे पहले हमने जो किया था मिल प्लेनर में हमने काम किया था, आज हम करेंगे मिल कंटूर के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक प्रोडक्ट को ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, एप्लीकेशंस के अंदर जाके मैन्युफैक्चरिंग्स में आना है। मैन्युफैक्चरिंग्स में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास जनरल है, हमने किया था मिल प्लेनर के बारे में यहाँ पर किया था। और इसके अंदर मिल प्लेनर में हमने जिस कमांड के बारे में सीखा था, वो हमने फ्लोर एंड वॉल के बारे में हमने किया था। आज हम मिल कंटूर की बात करेंगे। मिल कंटूर पर आपको ओके करना, ऑपरेशन करना है, ओके करना है। जैसे इस पर आप ओके करते हो तो आप इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ कि जो आपके पास मिल कंटूर होता है दोस्तों, वो बेसिकली आपके पास कंटूर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंटूर टाइप आपको कुछ बनाना है, या फिर आपके पास क्या बोलते हैं कि हाई वॉल्यूम आपको मटेरियल जो रिमूव करना है, जैसे हाई वॉल्यूम मटेरियल जैसे आपके डाई में हम यूज़ करते हैं, या कोर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली हम मिल कंटूर का जो हम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ज्योमेट्रिक व्यू का। आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आपके पास एमसीएस मेल का ऑप्शन मिल जाता है। एमसीएस मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं दोस्तों, यानी आपको मशीन का कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना है, यानी एक तरह से ओरिजिन पॉइंट। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को डिफाइन करोगे। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पर आप बता दूँ कि मेरा पार्ट की जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 30 है, और जो मेरे पास ये स्टॉक बाहर की तरफ है वो लगभग 10 का है, तो यानी टोटल 40 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर जो वैल्यू रखूँगा, हम मेल प्लेनर के अंदर यहाँ से जो मेरे पास ये जेड है, इसकी जो वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पर, हम 40 रखेंगे और एंटर करेंगे, ताकि वो 40 आपके पास ब्लैंक वर्क, यानी जो आपके ब्लैंक होगा वो यहाँ से होगा, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट काउंट करेगा। उसके बाद आपको नॉर्मली ओके करना है। ये चीज़ करने के बाद आपके पास यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास एक वर्क पीस का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। इस पर हम स्पेसिफाई करेंगे पार्ट को सबसे पहले, कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हो उसके बाद जो आपका पार्ट बन कर निकलेगा वो कैसा होगा, तो इस टाइप का हमें पार्ट चाहिए, आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्पेसिफिक ब्लैंक में जाना है। ब्लैंक में जाकर आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक में आपके पास ऑप्शन मिलता है बाउंडिंग ब्लॉक का, तो आपको ये ब्लैंक को डिफाइन करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ये सिंपल ब्लैंक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, कि आपके पास ब्लैंक जो वर्क पीस होगा वो इस टाइप का होगा, आपको यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से आप ओके करोगे, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से क्रिएट टूल आप यहाँ पर भी कर सकते हो, और यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन में भी हम कर सकते हैं। तो क्रिएट ऑपरेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो दोस्तों, और इसी तरह हम यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर इंसर्ट में आपके पास ऑपरेशन का ऑप्शन आता है, तो ये आपके पास सेम ही है। जैसे टूल लेना है तो टूल भी ले सकते हो, ऑपरेशन करना है तो यहाँ से मैं ऑपरेशन पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ से आपसे पूछेगा कि जो मिल कंटूर का हमें ऑपरेशन चाहिए, यानी क्रिएट ऑपरेशन पूछ रहा है, तो हम कैविटी मिल का इसका नाम रखेंगे, और यहाँ से जो हम सबसे पहले रखेंगे वो कैविटी मिल ही रखने वाले हैं। जो हमारे पास दोस्तों कैविटी मिल का जो हमारे पास मोस्टली जो यूज़ होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए आपके पास काम में आता है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके करना है। जैसे आप ओके करते हो तो यहाँ से नो डिज़ाइन, नो टूल हैज़ बिन डिज़ाइन ऑपरेशन, ओके करेंगे हम, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमने अभी तक कोई टूल को डिज़ाइन नहीं किया, तो हम इसके अंदर जाके यहाँ पर हमारे पास टूल का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था कि हमने पार्ट को स्पेसिफाई कर लिया था, तो आपको यहाँ पर टॉर्च दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास पार्ट को दिखाएगा कि आपने जो भी सिलेक्ट किया था। उसके बाद ब्लैंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ब्लैंक आपको यहाँ पर शो करेगा कि इस टाइप का मेरे पास ब्लैंक होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ से स्पेसिफाई कट एरिया करना है कि कौन सा पार्ट आपको काटना है, तो आपको जो भी आपको पार्ट कट करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इस स्पेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरा पार्ट मुझे काटना है, साथ के साथ ये स्पेस को हम कटिंग करने वाले हैं। स्पेस पर आपको यहाँ से ओके करना है। ये चीज़ करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर देखो नीचे टूल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर हम टूल क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। ये बाहर से भी कर सकते थे, यानी यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख पाओगे कि हम एप्लीकेशन से हम जाते हैं, दोबारा होम में हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखो आपके पास क्रिएट टूल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्रिएट ऑपरेशन है, साथ के साथ हमारे पास ये क्रिएट टूल भी है, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, और नॉर्मली आप यहाँ पर भी आप इसको चूज कर सकते हो। तो यहाँ से हम नन लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्रिएट न्यू टूल्स में हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप टूल को डिफाइन करेंगे, तो मेल का जो हम टूल रखने वाले हैं, और यहाँ से आप लाइब्रेरी के अंदर से भी चूज कर सकते हो, कि तो फिलहाल मैं
मैं यहीं से ले रहा हूँ इसको, तो मैं ओके करता हूँ। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर टूल आएगा, उसके आप डायमीटर डायमेंशन दे सकते हो कि डायमीटर कितना रखना है। मैं 10 डायमीटर का रखूँगा, और अगर लोअर रेडियस आपको रखना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज इसको रहने देना है। तो अपने हिसाब से जैसे भी आपको जिस भी वर्कपीस पर आप काम कर रहे हो, तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ये चीज़ करने के बाद हमने टूल को सेट कर लिया है। अब टूल सेट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ये चीज़ हमने देखो यहाँ पर टूल हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है, हमारे पास टूल एक्सिस आता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको बस जेड एक्सिस में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हो, मिल रफिंग का यूज़ कर रहे हो, फिनिश मेथड लगा रहे हो या सेमी फिनिश लगा रहे हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं फिनिश मेथड लगाता हूँ, मुझे फिनिशिंग करना है, तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ। फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो कट पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए कि फॉलो पार्ट करे। तो यहाँ से नॉर्मली आप फॉलो पार्ट या फॉलो पेरिवेरी कर सकते हो, तो इसको मैं फॉलो पार्ट पर रहने देता हूं। उसके बाद स्टेप ओवर है, यानी आपका टूल एक बार कट लगाने के बाद आगे की तरफ कितना शिफ्ट होगा वो आपका स्टेप ओवर कहलाता है फ्रेंड्स। तो आप यहां पर दे सकते हो, यहां पर कॉमन डेप्थ ऑफ कट यहां पर आप प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस 6 का लिया हुआ है, तो मैं यहां से 1 कर लेता हूं। ओके करना है आपको। उसके बाद आपको यहां पर हमारे पास कटिंग पैरामीटर्स है। कटिंग पैरामीटर्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर हमारे पास कटिंग, देखो जो हमारे पास स्ट्रेटजी होती है, इसके अंदर हमारे जो कट ऑर्डर है दोस्तों, वो हमारे पास क्या है, लेवल फर्स्ट है, यानी लेवल को एक करेगा। हम इसको डेप्थ फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपको डेप्थ में रखना है कि पहले वो एक ही डेप्थ उसको काटे। उसके बाद यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहां पर नीचे की तरफ आओगे, फीड एंड स्पीड का आपके पास ऑप्शन मिलता है, तो आपको फीड एंड स्पीड पे ओके करना है। और यहां पर हम जितनी भी आपको स्पिंडल स्पीड रखनी है वो अपने हिसाब से यहां पर रख सकते हो। तो इसके लिए मैं यहां पर 3 या 2.5 हजार स्पिंडल आरपीएम की स्पिंडल स्पीड देता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां से इसको कैलकुलेट करता हूं। तो जैसे आप कैलकुलेट करते हो, तो यहां से सरफेस स्पीड है जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, और जो कि फीट पर टूथ है वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद आपको यहां से ओके करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलता है जनरेट प्रोग्राम का, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, इसको जनरेट करना है। तो यहां से जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि मेरा जो प्रोग्राम्स है वो एक तरह से जनरेट हो चुका है, और इसमें जो आपको ये लाल कलर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से आपका टूल हवा में जा रहा है, जहाँ पर भी आपके पास लाल वैल्यू को दिखाई दे रही है। और जो मेरे पास ये आपके पास इस टाइप की आप यहाँ पर लेयर देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, आपके पास कटिंग एरिया दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आपका टूल है जो कट कर रहा है, और जो येलो टाइप है वो कि आपका टूल जो चल रहा है वो बाहर की तरफ चल रहा है वर्क पीस के। तो दोस्तों ये चीज़ करने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है वेरीफाई का, तो वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको आना है, और यहाँ से हमारे पास 3D डायनेमिक आपको रखना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ से स्टेप आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हैं हिसाब से, और इसको स्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर प्ले कर देते हो, तो आपका ये देखो टूल जो है वर्कपीस को काटना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जैसे मेरी प्रोफाइल थी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो उसको काट रहा है 1 mm का जो हमने डेप्थ ऑफ कट दिया है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से ये आपके पास क्या करेगा, पार्ट को रिमूव करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को हम इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि जो आपके पास जो वर्क पीस है उसको वो थोड़ा जल्दी से इसको काट दे, और इसको थोड़ा सा और स्पीड को हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्पीड वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ से एनिमेशन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, और जहाँ पे अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने जो आपके पार्ट्स को पूरा कट कर दिया है। अब इसमें जो उसने दिखाया है दोस्तों, वो आपके पास क्या पूरा फिनिश इसने किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सेमी फिनिश का भी ऑप्शन लगा सकते हो। जैसे यहां से मुझे रफिंग करनी है, तो रफ आप कर सकते हो, सेमी फिनिश कर सकते हो। तो यहां से मैं रफ मटीरियल पर रखता हूं कि मुझे रफ करना है, ओके करना है। और रफ करने के बाद अब इसको मैं दोबारा से जनरेट करता हूं प्रोग्राम को, तो आपको दोबारा जनरेट करोगे तो इस तरह से, जैसे ही आप दोबारा जनरेट करते हो, अब आप इसको वेरीफाई करोगे। यहां से मैं वेरीफाई करता हूं और इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि लास्ट में जो आपके पास जो मटेरियल वो काटेगा, वो वहाँ पर कुछ मटेरियल वहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है। तब उसके लिए हम दोबारा से हम उस पर ऑपरेशन लगाते हैं, यानी उसको फिनिश, जो आपके पास जो रफिंग मटेरियल रहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने उसको पूरा फिनिश नहीं किया है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो कुछ मटेरियल को यहाँ पर छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम दोबारा से ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेशन कैसे लगाना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, कि आपके पास जो रफ मटेरियल होगा या आपके पास जो सेमी फिनिश पार्ट आपने काटा, उस पर फाइनल कट आपको कैसे
लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही कि आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको मिल्क कैविटी मिल्क के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हो या किस अपने प्रोग्राम को जनरेट करा सकते हो। उसके जनरेट कराने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको उसके बाद पोस्ट प्रोसेस करना है, तो वो हम फ्लोर एंड वॉल वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पार्ट्स को हम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।